हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, दोबारा मैं हाजिर हूँ एक और वन पीस का वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में, मंकी डी ड्रैगन के बारे में। मंकी डी ड्रैगन जो कि मंकी डी लूफी का फादर है, और साथ ही में ये वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में भी आता है, जबकि इसकी पावर एबिलिटीज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मंकी डी ड्रैगन वन पीस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, और साथ ही में ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है। इस वीडियो में मैं आपको मंकी डी ड्रैगन के डेविल फ्रूट और उसकी एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा विद प्रूफ, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट में ये ना कहें कि भाई तेको कैसे मालूम, तुझे क्यों लगता है कि इसके पास यही डेविल फ्रूट है वगैरह वगैरह। मैं आप सबको बस एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंकी डी ड्रैगन हमें कहां कहां दिखा है, और जहां भी दिखा है क्या उसने कोई पावर या एबिलिटी का इस्तेमाल वहां किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की, जहां मंकी डी लूफी और स्मोकर की सबसे पहली फाइट होती है, और जहां हमें पहली बार मंकी डी ड्रैगन दिखता है। यहां पर स्मोकर मंकी डी लूफी पर हमला करने वाला होता है, तभी मंकी डी ड्रैगन उसे रोकता है, और फिर तभी आपने देखा होगा उसके आसपास कैसी आंधियाँ चलने लग जाती है, तेज हवाएं चलने लग जाती है, और सब कुछ जो नेवी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी उड़ने लग जाते हैं। वहाँ जो आसपास की पूरी जगह होती है वो पूरी तहस नहस हो जाती है, टूट जाती है। इस मोकर से बचाने के अलावा मंकी डी लूफी को ड्रैगन बग्गी द क्लाउन से भी बचाता है। जब बग्गी द क्लाउन मंकी डी लूफी का सर काटने वाला होता है, तब आपने देखा होगा ऊपर का जो पूरा मौसम होता है, जो वातावरण होता है, पूरा बदल जाता है, और अचानक थंडर यानी कि बिजलियां गिरने लग जाती है, और सबसे पहले गिरती है वो उस जगह पे जहां पर मंकी डी लूफी का सर काटा जाने वाला होता है। अब मुझे यह लगता है कि मंकी डी ड्रैगन के पास एक लुगिया टाइप का डेविल फ्रूट है, जो कि विंड को कंट्रोल कर सकता है, यानी हवा को कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि हमने स्मोकर वाली फाइट में देखा था कैसी तेज आंधियां चलने लग जाती है, तूफान आने लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके पास विंड लुगिया टाइप का डेविल फ्रूट है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास कोई ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि तेज हवाओं के चलने के अलावा हमने ये भी देखा है कि बग्गी की फाइट में कैसे थंडर यानी कि बिजलियां ऊपर से गिरने लगती है। इसलिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इसके पास ऐसे टाइप का डेविल फ्रूट है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि हवा भी वहाँ बदलने लग जाती है, ऊपर से थंडर भी गिरने लग जाते हैं। तो हो सकता है इसके पास कोई ऐसा डेविल फ्रूट हो जिसकी वजह से ये वेदर को मैनिपुलेट कंट्रोल कर सके। और मैंने इस वीडियो में आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए, क्लिप्स भी दिखा दिए कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके पास या तो कोई वेदर टाइप का डेविल फ्रूट है या फिर कोई विंड टाइप का। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों से इसके पास कौन सा टाइप का डेविल फ्रूट हो सकता है, और वो लुगिया टाइप का है, पैरामेशिया टाइप का, या फिर मिथिकल जोन टाइप का, जो आपको लगता हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, और हो सके तो भाई लोग यार ये वीडियो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी एनिमेस देखते हैं वगैरह वगैरह, और खासकर वन पीस फैंस के साथ। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।